हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने शेयर किया है आप सबके साथ रसमलाई चॉकलेट्स की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इस रसमलाई चॉकलेट्स को हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो, स्पेशली इसमें काजू, बादाम, पिस्ता कंपलसरी होता है, बट इसके अलावा अगर आप चाहें तो मगज बीज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बट ये तीन ड्राई फ्रूट्स आप ले लेते हैं तो फिर काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, लगभग मैंने इतने ज़्यादा नहीं, आठ दस काजू और बादाम और इसी तरह से पिस्ता लेकर के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और ये है चोकोविले का रसमलाई कंपाउंड, बेकर्स विले का है, देख सकते हैं, जो कि नट्स एंड राउंड पैकेजिंग की तरफ से हमारे पास आया था। मैंने इसे सेलेक्ट किया था कि मुझे ये पार्सल में चाहिए, तो 230 रुपीज़ का ये 500 ग्राम का एक पैकेट मैंने अपने लिए मंगाया था। मुझे एक्चुअली देखना था क्योंकि जहाँ से मैं लेती हूँ वहाँ रसमलाई फ्लेवर का कोई कंपाउंड नहीं मिलता है मुझे। तो ये देखिए, इस पूरे 500 ग्राम के चॉकलेट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया और 5-5 सेकेंड के बाद मैंने इसे इस तरीके से मेल्ट कर लिया था। नॉर्मल मेल्टिंग प्रोसेस है, आप किसी भी वे में कर सकते हैं, डबल बॉयलर मेथड में कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रोसेस बताए हैं चॉकलेट्स को मेल्ट करने के, आप कोई भी प्रोसेस इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपको इसको मिक्सअप करना होगा ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब ये देखिए, मेरे पास ये थोड़ा सा केसर है, ऑलमोस्ट मैंने सारे केसर यूज़ कर लिए हैं। तो ये क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में, जितना केसर मेरे पास बचा था लगभग एक पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा, वो पूरा केसर जो सैफ्रन होता है वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। क्योंकि अगर आप कोई राजभोग फ्लेवर का चॉकलेट बना रहे हैं या फिर अगर आप इस तरह के रसमलाई फ्लेवर का बना रहे हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी होती हैं, इसके बिना आप इस चॉकलेट को कम्प्लीट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा चॉप ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा केसर, ये सारी चीज़ें मैंने कंपाउंड में डाल दी हैं और इसे अच्छे से लम फ्री होने तक मिक्स कर लिया है। अब इसे किनारे रखकर ये वाला सिलिकॉन मोल्ड मैंने फिर से यूज़ किया है। इस सिलिकॉन का मोल्ड का जो लिंक है वो मेरी पुरानी वीडियोस में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपके साथ ये फिर से शेयर कर दूंगी। अब जो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मेरे पास बचा था वो मैं इस मोल्ड के बेस में डाल रही हूँ। कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन है, आप चाहें तो डालें, बट इसे डालने से क्या होता है और इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मेरे पास एक चॉपर है जिसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप करती हूँ। थोड़ा सा मैं पिस्ता और चॉप कर रही हूँ क्योंकि जो रसमलाई फ्लेवर या राजभोग फ्लेवर का चॉकलेट होता है उसमें अगर ये ग्रीन कलर के पिस्ता अलग से हाईलाइट होते हैं ना, तो वो जो चॉकलेट है वो और भी ज़्यादा यम्मी दिखता है। इसमें आप ड्राइड रोज़ पेटल्स डाल सकते हैं, थोड़े से केसर भी इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बेस में डालते हैं तो आपका चॉकलेट बाइट्स जो है उनका लुक देखने ही से बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगने लगता है। और ये देखिए, 1-1 टेबल स्पून करके जो हमने चॉकलेट्स रेडी करके रखे थे मेल्ट करके, वो मैं इस पूरे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। 500 ग्राम से अप्रॉक्स मेरे जो है 39-40 चॉकलेट्स बन करके रेडी होते हैं। तो ये पर पीस आप 10 रुपीज़ में इजीली सेल कर सकते हैं। आफ्टर पैकिंग आपकी जो कॉस्टिंग है आराम से निकल जाएगी। अगर इससे ज़्यादा में आपके चॉकलेट्स निकलती हैं तो भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से फ्रिज में सेट करने के बाद मैंने जब इसे डिमोल्ड किया तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शाइनिंग चॉकलेट्स हमारी जो है बनकर तैयार हुई थी। एक चॉकलेट आपको दिख रहा होगा जो मैंने बिल्कुल डार्क येलो कलर में लिया है, लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल बेस्ड कलर जो है मेरे पास बचा हुआ था मैंने डाला था, इससे थोड़ा इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क आया। तो आप दोनों ही ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी सारी की सारी रसमलाई चॉकलेट्स के बाइट्स जो हैं रेडी हो चुके हैं। इसे पैक करके आप रसमलाई चॉकलेट का जो टैग है वो भी नट्स एंड ब्राउन्स पैकेजिंग से मंगा सकते हैं। नट्स एंड ब्राउन पैकेजिंग के पास सारे चॉकलेट्स के जो टैग्स हैं, स्टिकर्स हैं, वो अवेलेबल हैं। आप वहाँ से चूज़ करके आपको जो चाहिए वो आप मंगा सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा। फिर मिलूँगी, राधे राधे।